अमृतसर पुलिस कमिश्नर नूं चार्ज संभालन तो पहला पुलिस जवानों की टुकड़ी ने किया गार्ड ऑफ आनर। अमृतसर शहर में लॉ एंड ऑर्डर नूं रखा जाएगा कायम। पिछले दिनी पंजाब विच वड्डे पुलिस अधिकारियों का तबादला होया, जिस विच अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह का भी तबादला होया, जिस तों बाद हुण अमृतसर नूं नवें पुलिस कमिश्नर जसकरन सिंह मिले हन। इस दौरान नवें पुलिस कमिश्नर नूं चार्ज संभालन तो पहला अमृतसर पुलिस जवानों की टुकड़ी वालों गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। भारत के पुलिस कमिश्नर जसकरन सिंह का पुलिस लाइन पहुँचन से पुलिस के आला अधिकारियों वालों उन्हां दा निघा स्वागत किया गया। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों नाल विशेष मीटिंग करके शहर बारे जानकारी भी हासिल की। उन्हां कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों नूं ला एंड ऑर्डर मेनटेन रखन अते शक्की लोगों नूं नकेल कसन के हुक्म भी जारी किए। इस दे नाल ही अधिकारियों नूं लोगों दीआं पेंडिंग शिकायतां जल्द निपटारा करके उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण अते नशा समगलरों दीआं नकेल कसन दे भी निर्देश जारी किए। अते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जसकरन सिंह ने कहा कि वह 6 साल पहला भी अमृतसर विच अपनिया सेवावां दे चुके हन अते वह खुशनसीब हन कि उन्हां नूं अमृतसर विच पुलिस कमिश्नर वजों लोगों की सेवा करन दा मौका मिलिया है। इस दौरान पिछले दिनी अमृतसर विच होए हिंदू नेता सुधीर सूरी कतल मामले च भी उन्हां कहा कि निरपक्षता दे नाल जांच की जाएगी अते जो लोग बिना वजह तो हथियारां दे लाइसेंस लैके बैठे हन उन्हां दी भी जांच की जाएगी। ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ अज तो काफ़ी साल पहला मेरे ख्याल 96 दे विच AIG इंटैलीजेंस वर्क किया और एक बार फिर मैं ये मौका मिल रहा है कि ये जिहड़ा पवित्र शहर है बहुत ही मेरे ख्याल दुनिया का सब तो वध विजिटेड प्लेस है। जिथे तक मैं पता है कि सब तो ज़्यादा वध इत्थे जिहड़े श्रद्धालु टूरिस्ट इत्थे विजिट करते हैं रोज़ विजिट करते हैं उस शहर नूं सर्व करन दा मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी तनदेही दे नाल और सारे ही ऑफिसर्स की कोऑपरेशन दे नाल इहनूं जिहड़ी है ये ड्यूटी है उहनूं निभाउण की कोशिश करांगे। एज ए कमिश्नर जिहड़ा मैनूं इह लगदा है कि जिहड़ा मुख जिहड़ा एम है वो यही हुंदा है कि जिहड़े उत्थों दे रहिण वाले बछिंदे ने वो बिल्कुल शांतमई दे नाल पीसफुली उन्हां नूं कोई बगैर किसी डर के माहौल तो रहन दा मौका मिले। इहनूं रखदिआं होइआ जिहड़ी साडी पुलिसिंग दी जिहड़ी स्ट्रैटजी है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल हो रहन वाली है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दे नाल नाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिहड़ा पुलिसिंग दे विच मेरा जिहड़ा हैगा सोच है और उहदे नाल नाल ये भी जरूरी है कि जिहड़ी ये पुलिसिंग है ये पब्लिक वास्ते है और पब्लिक दे नाल है। सो इन्हां एम्स दे नाल मैं अज जिहड़ा इत्थे चार्ज लिया और मैं आस करदा वां कि सारे ही जिहड़ी मेरी टीम है बहुत पुराने ऑफिसर्स ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे दे नाल प्रोफेशनल वे दे नाल आपदा काम करनगे और उहदे नाल नाल क्योंकि साडा मेन एम तां पब्लिक दे नाल है उहनां वास्ते है ते उहनां दे नाल है। उहनां दे नाल दा मतलब इह है कि बिल्कुल निडर हो के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के साडे नाल
किसी भी जी उन्होंने लगती है कोई समस्या है या कोई इनफॉर्मेशन है या कोई उन्होंने लगता है ता कि जोड़े क्रिमिनल है जोड़े बहुत जोड़े किसी भी एरिए ने उसके बारे आप ठल पा सकी। सो क्राइम तो क्रिमिनल टैकल करना उन्होंने उत्ते ढल पाना यह साडा मेन एम होएगा ताकि जरा जो शहर है इन्ना खूबसूरत शहर है इन्ना पवित्र शहर है वह अमन शांति जी बरकरार रहे और जोड़े इतों के बछिंदे ने इतों के वसनीक ने वो बिल्कुल अपनी चंगी एज ए सिविलाइज सोसायटी वर्गन रह सकन। देखो जरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बड़ा सिंपल गल है चाहे कोई भी एरिया मैं शुरू तो ही रखा है जो क्रिमिनल ने बिना दे उत्ते पूरी नज़र रखने की लोड़ होंदी है किसी भी एरिए चाहे वह पुलिस के नाल जोड़ा है वो उन्होंने जोड़ा साडा जोड़ा है पूरी ये है कि वो जो क्रिमिनल्स ने उन्होंने नज़र रखी जाए उन्होंने ताकि असी उन्होंने टैकल कर सकी। नॉर्मली की होंगे कि जोड़े क्रिमिनल्स ने वो कुछ होंगे ने कोई जेल चाह कोई बहर है लेकिन वो रिपीटेडली अपना क्राइम करते आप बहुत सारे क्राइम को टैकल करते रहे हैं जो उन्होंने पुख्ता तौर पर उन्होंने नज़र रखी जाए तो फिर उन्होंने आप पूरे टाइम सिर जो कार्रवाई कर सकते हैं। ये नाल नाल मैं इस थोड़े जरिए भी कहना चाहवागा कि जी आप पुलिसिंग करते हैं पब्लिक वास्ते है और पब्लिक के नाल है मेरा यह मोटिव है पब्लिक के नाल का मतलब है कि थोड़े लाइ दे नाल क्योंकि आप सारे ही जोड़े सारे बछिंदे एक तरह के पुलिस ऑफिसर्स ही ने पुलिस ऑफिसर्स इन प्लेन क्लोथ मेरा मानना है। सो सिविलाइज्ड जी सोसाइटी दे विच तुसी सारे ही साडा जे साथ देंदे हो और पुलिस अपनी पूरी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी नाल करदे आ तो मैनू नहीं लगता कोई भी क्रिमिनल जोड़ा वो पर मार सकेगा या वो कोई भी यहो दी हरकत कर सकेगा यही अपना मोटिव है। देखो जिहड़ा ये मर्डर केस होया और उहनू भी असी बहुत मेरे ऑफिसर्स दे नाल भी गल हुई है बिल्कुल प्रोफेशनल वे दे नाल वो टैकल किया जाएगा। मैनू लगता है कि जिहड़ा मैं बहुत सारे पहले भी इनवैसटीगेट भी किए हैं और मूसेवाल केस का भी मैं इनवैसटीगेट किया थोड़ा पता इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी मैनू जो चीज़ा दो तीन चीज़ा लगदिया ने कि जोड़े साढ़े प जोड़े जिन्होंने असी प्रोटैक्शन दी है जो प्रोटेक्टिव प्रोटैक्टर्स ने मैं जल्द ही एक ये प्लैन कर रहा है कि इन्हों भी एक बार इकट्ठे करके एक बार ब्रीफिंग भी की जाए मेरे ख्याल वो जोड़ा टारगेट हैडनिंग और साढ़े जोड़े मुलाजम है हूँ मैं पिछले जो कोई होर भी जगह पर गया तो क्योंकि जो अलर्ट हो जाने प्लस साडे मुलाजम भी अलर्ट हो जाते और चंगी मुस्तैदी करते हैं काम तो मैं लगता है कि वह टाइम एक है प्रोफेसनल वे दे नाल ते ट्रांसपेरेंट जो असी उन्हूं कर लैंदे आ ते फिर इहो जी पहली गल तो वारदात नहीं होएगी तो दूजे नंबर पर जदों असी प्रोफेसनल वे नाल करते हैं तो उहदा जिहड़ा हैगा उह जो उहनां बंदिआं नूं आइडेंटिफाई करना उहनां नूं सजावां दिवाउणियां जदों आपां उहनूं बिल्कुल प्रोफेसनल वे नाल करदे आ ते तां ही जिहड़ा इह क्राइम क्रिमिनल जिहड़ा कंट्रोल हो सकेगा। देखो मैं थोनों पता ही है कि पहला भी मैं इनवैसटीगेट कर रहा मूसेवाल केस वाला भी तो वो भी है असी बहुत ही प्रोफेसनल वे दे नाल जिहड़ा एविडेंस ता ही मैं कह रहा ना कि जिहड़ा प्रोफेसनल वे दे नाल करन दी लोड़ हैगी है ताकि जो असी प्रोफेसनल वे ना करांगे कोर्टा के अगे पेश करांगे और उस तो बाद ट्रायल्स होणगियां और उन्हें कन्विक्शन्स होणगियां तो फिर जी है वो ठल पैंदी हैगी है और मैं तो इनवैसटीगेशन च भी रहा वा और मेरा ये सारे ऑफिसर्स दे नाल भी यही रहेगा कि असी वो जिहड़ा एक एंड टू एंड जिहड़ा है ना उन्हूं करिए ना केवल पहला तो गल है कि क्राइम होण ही ना दईए प्रिवेंटिव भी रखिए सैकेंड है जे हो तो उन्हें डिटेक्ट हो और जी है एविडेंस बना के और प्रॉपर जिहड़ा हैगा प्रोसीजर के नाल प्रोफेसनल वे दे नाल उन्हों सजावां दवाइया जाण तां ही यह जिहड़ा है क्राइम पर ऑफकोर्स ये सोसाइटी दे पूरी जिहड़ी कोऑपरेशन दे नाल
और मैं थोड़ा दसिया फिर कि जोड़ा साडा सोसाइटी वास्ते तो सोसाइटी के नाल इन्हें प्रोफेसनल तो ट्रांसपेरेंट वे एक जरा मेरा मोटिव है। देखो जो चुनौतियां तो पुलिस असं मेरे ख्याल पिछले 30 साल तो देख रहे हैं, टेररिज्म का टाइम भी देखा, चुनौतियां तो हमेशा होंगे ने, लेकिन हर चुनौती का सोल्यूशन है। पहला भी कदया तो यह भी चुनौती का सोल्यूशन रहेगा, जिड़िया जेलों के हैगा वो सारिया के उत्ते असी जोड़ा हैगा देख रहे हैं, लेकिन ये कोई यहोजी चुनौती नहीं जिदा सोल्यूशन नहीं हो सकता। और थोनों पता ही है कि इस वे बहुत उन्होंने तो रिकवरीज हो रही ने, मैं जितों फिरोजपुर आया मेरे ख्याल वो जिन्हें भी लिया उन्होंने लूपहोल सारे प्लग किए जाएंगे, नंबर एक। और जोड़े ये क्राइम उत्थे भी जोड़ा हो रहा तुसी देखा जो ऑफिशियल्स भी जो इनवॉल्व से उन्होंने भी है, सो बेसिकली की है जीरो टॉलरेंस तो ट्रांसपेरेंट वर्किंग, चाहे वो कोई भी इनवॉल्व हो पूरी जी है कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इंटेलीजेंस बहुत जरूरी है, पंजाब की इंटेलीजेंस पिछले टाइम तो थोड़ी जी कमजोर हुई है, दिल्ली पुलिस आके इतने अपनी कार्रवाइया कर जाती है, इंटेलीजेंस उनका स्ट्रोंग करने की। देखो पहला तो मैं ये गल कहांगा कि सारिया एजेंसीज जीडिया ने आप लंबे समय तो देखते हैं असी सारे नाल कोऑर्डिनेट करके जाने, साड़ी कोई बैरीकेटिंग नहीं हैगी कि ये दिल्ली है या हरियाणा है, जिवें वो क्रिमिनल्स भी आप तुसी देखे होएगा जिहड़ा हुण कोटकपुरे का भी होया, मैं ही उत्थे इनवैसटीगेट कर रहा सीगा, हरियाणे दे नंबर से असी इमीजिएटली उन्होंने दस्सिया भी मोटरसाइकिल उत्थों दे, सो जिवें तुहानू पता ही है कि ये बैरीकेटिंग नहीं है, लेकिन साडा कोआर्डीनेशन होना बहुत जरूरी है, वो कोआर्डीनेटेड एफर्ट ही होनी चाहिए है सारी एजेंसीज। सो मैं भी तुहानू दसांगा क्योंकि बहुत सारिया एजेंसीज वर्क कर दी हैं, साडा टारगेट सारिया का ही एको है कि क्रिमिनल दे उत्ते ठल पानी चाहिए पानी है, और जिहड़ा तां कि जिहड़ा सिविलाइज सोसाइटी वो होर सिविलाइज रहे, शांतमई रहे। देखो वो जरा हथियार पर्टिकुलरली एक इस एरिए भी बाकी एरिए भी एक मेरे ख्याल हॉबी भी है शौक भी है, लेकिन मेरे ख्याल इनू जो मिसयूज हो रहा, सो ये भी पूरी ऑडिटिंग होगी और ये पूरा ध्यान है। और मैं थोड़े इस माध्यम के नाल भी दसागा कि असी छेती ही जिहड़े थोड़े लाइसेंस हाउसिस ने उहदा पूरा ऑडिट करावांगे कि जिहड़ा वो लाइसेंस है और जो वैपन है या उहनां कोल जो जमा है वो प्रॉपर उत्थे है या नहीं है, कि उहनां दे जो चीज़ां ने वो पूरी ऑडिट करांगे। सो पहला स्टैप तो यही है, और उत्थों बाद फिर जे कोई सानूं लगता है कि लाइसेंस जिहड़ा वो ठीक बंदे दे हाथ च नहीं हैगा सो कैंसल भी किया जा सकता, कोई इशू नहीं हैगा, बट इहदे ते पूरी जिहड़ी है वो कोख रहेगी। देखो सोशल मीडिया मोनिटरिंग सैल हर डिस्ट्रिक्ट दे विच है, इत्थे भी हैगा, और इहदे विच फिर मैं उही कह रहा कि कोई भी किसी किस्म की जिहड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी नू खराब करन वाला उहदे ते अख भी रखी जाएगी ते एक्शन भी होएगा। सर आम तौर ते हुंदा है कि जिहड़े दिल्ली अफसर आंदे आ उहनां नू कुछ ते जो सजा होएगी उह मैं भरन नू तैयार आ, चौथा लोगों के विश्वास, पंजवा है जो लोग बाहरों आते हैं वो इन्नी अनकॉन्फिडेंट। मैं तो हमने जवाब दे कहते हैं कि प्रिवेंटिव सब तो जरूरी है, फिर डिटेक्शन है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने सुझाव होंगे, ये वास्ते ही आप सारे प्रयत्न वो भी देख लेंगे। देखो मैं जिथे भी रहा वा मैं पब्लिक का इस क्योंकि कंसैप्ट मैं थोड़ा दस दिता बड़ा क्लीयर है, पब्लिक वास्ते तो पब्लिक के नाल एक स्लोगन है, और प्रोफेसनल तो ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग। सो पब्लिक की जी है वो असी छेती ही एक वट्सअप का या कोई नंबर देंगे, अगे मैं बठिंडे भी रखा फिरोजपुर तो भी मैं रहा वा, तो बहुत ही वधिया और सिस्टमैटिकली, और बहुत सारे बंदे थोड़े तो बाहर भी गए, उत्थे एक नेबरहुड वॉच स्कीम है मेरे ख्याल तुसी सारे ने सुनिया भी होना, क्योंकि आप अपनी सिक्योरिटी रखते हो
हूँ हर जगह तो यही मतलब वो वॉच कर लेंगे जो थोड़ा भी कोई चीज़ होंगी फॉर्म कर देंगे है वो मैं थोड़ा यही कॉन्फिडेंस दवाना चाहता थोड़े इस मीडिया नाल कि कोई भी यहोजी कोई इनफॉर्मेशन या मतलब ये कोई इनफॉर्मेशन भी कहना गलत होगा कोई भी एक्टिविटी जी कि लगती अबनॉर्मल है तुम साढ़े तक दवोगे साडा वो मैकेनिज्म दे विच पूरा आप बनावांगे तो कोई डर वाली गल नहीं कोई ट्रांसपेरेंट रहेगा किसी का कोई नाम नहीं आएगा तो आई थिंक ता ही अपनी सोसाइटी जी है वो क्राइम फ्री हो सकती है। थैंक यू।